बताइए। इसका नाम है माजूम फल। देख सकते हैं माजूम फल कैसा होता है। इसमें कटा कटा तरह ऊपर में होता है, जैसे जी में भीतर से कटा कटा तरह खुदरा खुदरा होता है। मिर्चा खाने से, सब्जी खाने से बेसी जी में लगता है। इसका नाम है माजूम फल। रात में घस कर पानी में जी का पानी खाना पीना खा करके सुखा दो, कुल्ला कर लो बढ़िया से। सुखाने का बाद इसका रस जो है घस करके उसके जीहा पर 3 बार लगाएगा, सब दिन के लिए बिवनी शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी का नाम है माजूम फल। देखिए ये गोल है, इसमें कटा कटा भी है, ये बिवनी के लिए। हाँ, ये बिवनी के लिए बहुत लाभदायक दवा है। नहीं तो आजमाइए, 2-1 दिन में बिवनी खत्म हो जाएगा। इसका नाम है माजूम फल। माजूम फल का आप औषधि गुण देखिए, बिवनी में लाभदायक है। तो और इस कोई चीज़ में नहीं चलेगा ना? नहीं। बताइए। इसका नाम है अचकपारी। जिसको आधा माथा में दर्द होता है, उसके माथे में दाहिना साइड में बांधने से उसका अचकपारी खत्म हो जाता है। और किसी को अगर सूर्य उदय होने से पहले अगर जो सिर में दर्द हो जाए तो वो सिंगवाय का दर्द कहता है, उसमें ये अचकपारी अब 5 पत्ता चिरैता का पीस कर उसको पुटपुरी पर बैठा दीजिए तो 2 घंटे में उसका सिर का दर्द अचकपारी खत्म हो जाएगा। सूर्याहु सिंगवाई होता है। आरोप को फायदा करो नहीं, अचकपारी रिहा फायदा से। तो ठीक है गाइस, देख लीजिए ध्यान से, ऐसा होता है अचकपारी। बीच में भुरकी होता है, इसमें बीच में भुरकी होता है, दूसरा नहीं है नमकी आरोप नहीं जी। तो और सभी देख सकते हैं, इतना जड़ी बूटी है, सबका वीडियो बनेगा और लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। और यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अनोखा जानकारी लेने के लिए। बताइए ये क्या है? इसका नाम प्राण बूटी है। प्राण बूटी? हाँ, प्राण बूटी इसका नाम है। इसका गुण है कि दिन में अगर जो पानी में डालेगा तो दिन भर में ही हरा कंचन बन जाएगा। और ये पानी को पीने से पेट का गैस, खून साफ, गर्मी पेट में नहीं रहेगा, पानी हरा हो जाएगा। और इसको उबाल कर अगर जो पानी पिएगा पक्का तो उसके पेट में कभी दर्द नहीं होगा। इसका नाम है प्राण बूटी। ये कोई खेत में ना जन्मता है, ये पत्थर के ऊपर में जन्मता है। इसका गाछ पहाड़ों पर ये पहाड़ पर जन्मता है, ये कोई जमीन में नहीं होता है। जो पत्थर से शिलाजीत निकलता है उसी के ऊपर से ही जन्म लेता है। इसका नाम है प्राण बूटी। कोई कहता है लक्ष्मण बूटी, कोई कहता है सजमन बूटी। अच्छा, इसको 3-4 नाम से पुकारा जाता है। और हरी का तो 1000 नाम है, इसका अनेक अनेक प्रकार का नाम है, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी। इसका तो नाम है प्राण बूटी। बिहार में 2 नाम है, प्राण बूटी और लक्ष्मण बूटी, सजमन बूटी। सजमन बूटी इसका 3 नाम है, लेकिन परिचित है प्राण बूटी। यही बूटी पिलाने से लक्ष्मण का प्राण बच गया था, जो लंकापुरी से धनवंतरी वैद्य को बुलाकर लाया था पकड़ करके। तो आपके शहर में गाइस इसका क्या नाम है, ज़रूर कमेंट में बताएं कि इसका क्या नाम है। यहाँ पे 3 नाम है जो आपको बता दिए हैं। ये पानी में देने के बाद हरा हो जाएगा, एकदम हरा कंचन, इसका पानी भी हरा हो जाएगा। बताइए। देखिए भाई साहब, ये हाथी का लिद्दी है, ये हाथी का लिद्दी है। जो बच्चा 1 महीना 15 दिन का बच्चा हो, बच्चा दुबला पतला सुखला गौड़ झुलका हो, टांग पर टांग चढ़ाता हो, वह बच्चे के लिए हाथी का लिद्दी सरसों तेल में पकाकर और मालिश करें, 15 या 20 दिन में बच्चा का रूहानी पलट जाएगा। और ये बच्चा का नस में भी ताकत मिलेगा, बच्चा जो बोलने का 3 साल में बोलेगा वह बच्चा 1 साल में दरवट मारेगा। ये हाथी का लिद्दी है, इसका प्रयोग करिए आप लोग। मरकर चला जाइएगा लेकिन कुछ नहीं मिलेगा,
लेकिन यही काम देगा हर बच्चे को लिए, हर घर में बच्चा है, लेकिन इसका उपयोग करिए और इसको लाभ उठाइए। ये हाथी का लिद्दी है, बहुत महंगा मिलता है। हमारे इधर तो हाथी था, सुल्तानगंज में कटकर मर गया। ये हाथी का लिद्दी है, इसका देखिए ये लिद्दी है, इसका तेल में पकाकर बच्चे को मालिश करिएगा, बच्चा का गाल टमाटर की तरह होगा, नस मटाएगा, हेल्दी बनेगा। ये हाथी का लिद्दी है, इसका प्रयोग करिए आप लोग। देखिए भाई साहब, ये मुलट्टी है, जिसको एसिनोफिलिया का कुकुर खांसी हो, खांसते खांसते मूत देता है, झरा फिर देता है, पेटकुनिया पार देता है, उसके लिए जो है ये मुलट्टी दिन में 4 बार 5 बार चिबाएगा और रस को घोटेगा तो उसका नरेठी का कीटाणु और सुरसुरी बीमारी खत्म हो जाएगा। इसी का नाम है मुलट्टी। देख लीजिए, ये खाने में कुछ तित्तापन लगता है, मरीज के तरह झाल लगता है, इसका रस घोटिएगा तो कभी जिंदगी में कुकुर खांसी जड़ से चला जाएगा। ये मुलट्टी है, देख लीजिए, हमारे पास में बहुत सा जड़ी बूटी है यहाँ आगे में, इसका हम बता रहे हैं। देखिए ऐसा होता है, मुलट्ठी कैसा खेते करा बता दो। इसको बूट के तरह कुटिया करके मुंह में दिन में 3 बार 4 बार चिबाना है और गर्म पानी पीना है, सुरसुरी बीमारी खत्म हो जाएगा जल से। इसी का नाम है मुलट्ठी, देख लीजिए। नहीं मिलेगा तो हमारे पास तो मिलवे करेगा, अवश्य मिलेगा। इसी का नाम है मुलट्ठी, कुकुर खांसी के लिए, खांसते खांसते जो परेशान हो जाते हैं। तो गैस जानिए, आज जेठी मध किस किस काम में आता है बताओ। देखिए इसी का नाम है जेठी मध, ये पीला रंग का होता है, जिसका पेशाब में पीला और जलन होता है, उसके लिए जो है दिन में 3 बार 4 बार इसको चिबाएगा तो इस उसका पेशाब गंगा जल के समान साफ हो जाएगा और ये निरोग है, इसमें कोई तरह का बीमारी नहीं है, कोई तरह का इसमें अथी नहीं होगा, बेसी या कम, लेकिन कि इसको चिबाइएगा, रस घोटिएगा तो रसगुल्ला की तरह मीठा लगेगा। ये जड़ी में इतना खूबी है कि रसगुल्ला की तरह मीठा लगेगा और पेशाब गंगा जल के समान उतारेगा इसको। इसी का नाम है मुलट्ठी, इसी का नाम है जेठी मध, इसी का नाम है पताल लकड़ी। ये मीठा लगता है, हमारे देश में पत्ता मीठा लगता है, ये नेपाल का जेठी मध है, यहाँ का नहीं है, खत्म। देखिए इसी का नाम है इछाइन, गहकरण, और इसी का बोला जाता है घोड़बच, खांसी में ये भी खाया जाता है, कब प्लेक्स में कोई भी प्रकार का सीना में कीटाणु हो गया हो, इसमें गंध है, सुगंध है, इसमें बहुत खुशबूदार है, इसका नाम है घोड़बच और इसका नाम इछाइन भी है, और पसारी दुकान में मिलिए जाएगा, कहीं से कहीं खोजिएगा तो मिल जाएगा। कहता है कि खोज करो रे अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, कोई कोई देखा है दृष्टिवान, सब नहीं देखा है। इसी का नाम है इछान, बहुत सुगंधित है, तोड़ने का बाद खुशबू बहुत आएगा इसके भीतर से, इछान है, देख लीजिए बहुत लाभदायक है, इसको प्रयोग करिए आप लोग। देखिए ये एक नंबर सेचावर असली वाला है, असली वाला सेचावर का पहचान है, जो मरद सूखा पक्का है, शरीर में ताजगी नहीं मिलता है, ये देखिए ये लब जाएगा, इसमें रस है, रस है, इसको दूध में कूट करके खोआ बना करके 15 दिन खाएगा तो उसका शरीर का रंग फिर जाएगा और पेट का बीमारी जड़ से आराम हो जाएगा। इसी का नाम है सेचावर। देखिए ये सब दिन कच्चे रहता है, इसमें रसे इतना मद भरा हुआ है कि कभी सूखता नहीं है। सतावर रो यही कौन से ना मर्दी को दूर करे चाहिए, मर्द बना चाहिए। देखिए इसी का नाम है भेलवा, संथाली लोग का अगर जो हाथ पैर कट जाता है तो इसी का तेल फोड़ करके उसके ऊपर में घस देता है, टिटनेस जिंदगी में न होता है और घाव बहुत जल्दी छूट जाता है। इसी का नाम है भेलवा, ये हल्का देह वाला आदमी छुएगा तो उसका देह में ये भेलवा उपक जाता है
और जिसका ठोस देह है उसके भलवा उपकथा नहीं है, इसी का नाम है भलवा। टिटनेस में बहुत लाभदायक होता है, ये गाय गोरु को भी गलों में बांधता है, नजरा से काम बेसी करता है, गाय को नजर नहीं लगता है, इसी का नाम है भलवा। भलवा कड़ा कला फल है, इसमें कोई तरह का उजला नहीं। आग में पकाइएगा इससे तेल निकलेगा, और सुइया मारिएगा तो बलबल कर तेल, वही तेल टिटनेस में लगाइए और फायदा उठाइए, ये बहुत लाभदायक है। इसी का नाम है भलवा। देख लीजिए कि भलवा काला है रंग, ये पहाड़ पर होता है, ये यहाँ नहीं मिलता है, देहात में नहीं मिलता है इसका गाछ। देखिए ये होयल मछली का काटा है, किसी भी व्यक्ति को 10 साल 20 साल से कमर में ठौने में घुटने में दर्द है तो इस मछली का काटा, इस समुद्र में होता है, बड़ा बड़ा समुद्र में होता है, यहाँ नहीं होता है। इसके बीच में देखिए कि रीढ़ है और भुरकी है, ये कमर में बांधने से एक दिन में न छूटेगा दर्द, इसमें करंट का पावर और दर्द का पावर दोनों मिलेगा तो धीरे धीरे खींचेगा। ये होयल मछली का काटा है, ये हर जगह नहीं मिलता है, आसाम बंगाल से ये लोग लाते हैं तो हम लोग लेकर के इसको प्रयोग करते हैं और बहुत बढ़िया बिक्री है इसका। देखिए ये छोटा है, छोटा वाला फल जो है जनानी बांधता है, बड़ा वाला जो फल है वो मर्दाना बांधता है, बड़ा आदमी को बड़ा चाहिए और औरत को छोटा चाहिए, इसी का नाम है होयल मछली। देख लीजिए कैसा है रंग, और इसमें भुरकी है चारों बगल, हाँ फल है, इसी का नाम है जायफल, हर दुकान में मिलेगा। इसका खाने का तरीका, नम मर्दी जो है ये दो जायफल को चूर करके 25 ग्राम रसून के पोटी में मिला करके 50 दाना मरीच के साथ इसको तैयार करके एक कुप्पी में रखेगा डिब्बा में, और एक मकई भर खाएगा तो उसके शरीर में गर्मी से कपड़ा भीग जाएगा। इसको खाकर प्रयास करिए, जायफल में तो ऐसा ही गर्मी रहता है, लेकिन रसून मिला देने के बाद और मरीच मिला देने के बाद तीन चीज हो गया, तीन चीज में शरीर का गर्मी और तमस बन जाएगा, कभी नहीं हटेगा तमस और गर्मी, ये इसका नाम है जायफल। इसको कोई कोई कहता है जहाजी पपीता भी, जायफल को बंगाल में जहाजी पपीता बोलता है, इसी का नाम है जायफल। देखिए कितना बढ़िया गोल है जायफल, अंडा की तरह गोल है, देखिए ये जायफल है, इसमें 25 ग्राम रसून और दो ठो जायफल, 50 दाना मरीच को चूर करके कूट करके एक डिब्बा में रखिए। देखिए ऐसा है जायफल, उसके अगर जो रात में डरता है और चमकता है तो इस मंत्र से उस बच्चे को 5 बार कान में फूंक दीजिएगा तो डरना उरना सब बंद हो जाएगा। यही मंत्र तेल में पहाड़ करके मालिश कर दीजिएगा और बच्चा का पीठ ठोक करके फूंक दीजिएगा तो बच्चा चमकना उमकना सब बंद हो जाएगा। इस मंत्र का नाम है, 5 बार पढ़ना होगा मुख से, काली काली महाकाली, हाथ में लिए फुलकी डाली, खुद बैठे पीपर डाली, 12 भूत बजावे ताली, छोड़ो कन्नी मेरे बेटे को लगा हंसनी। 5 बार कहना होगा, काली काली महाकाली, हाथ में लिए फूल की डाली, इंद्र की बेटी बरमे की साली, कूद बैठे पीपर डाली, 12 भूत बजावे ताली, छोड़ कन्नी लगाओ हंसनी, बेटा का पीठ ठोक करके कान फूक दो, बच्चा आरामे आराम रह जाएगा, कभी कानेगा रात में नहीं। ये बच्चे का मंत्र हुआ, छोटा बच्चा एक महीना से लेकर के 8 साल तक का बच्चा जो डरता है उसके लिए है, जो 20 साल 22 साल का लड़का है उसका गाल चुटका हुआ है, उसके भीतर में बीमारी है, वो बीमारी कैसे सावधान होगा उसका भी निर्णय है। जायफल जो बताएं वो जायफल और मरीच और लहसुन पीस करके कूट करके वह फक्की करेगा
उसके शरीर में ताजगी आ जाएगा, ना मर्दी का नाम छूट जाएगा, मृत कहलाएगा वो आदमी। गलचुटका बीमारी, गाल टमाटर की तरह होगा, बॉडी उसका बनेगा, भीतर से रोग कटेगा तो ऊपर फूलेगा। 22 साल 24 साल का लड़का का भी गाल चुटका हुआ रहता है। कितना आदमी देखिए खाता है बकरी का तरह और सूखते जाता है लकड़ी की तरह। क्या उसको कोई चीज़ का कमी है खाने पीने का? नहीं, वो लुबुर लुबुर खाता है और शरीर में नहीं लगता है, खच खच के झड़ा फिरता है, पेट का बीमारी उसका बढ़ते जाता है। इसलिए खाता है बकरी का तरह, सूखता है लकड़ी का तरह। खान पान में सुधार करिए, खान पान में अपने को आप रखिए संभाली के। मीट मांस नहीं खाई के, रावण थे मांसाहारी, खरे भैंसा काट के खाई, राम चले फलधारी। अब बीच सभा में मारे पछाड़ी, कोई था कोई साथ दिया रावण का? नहीं दिया, राम अकेले उसको मारकर परास्त कर दिया। इसलिए खान पान में सुधार करिए, चटक मटक बेसी मत खाइए, गैस बनेगा, लीवर कमजोर हो जाएगा और धातु छिंता पतला हो जाएगा, नौ मर्दी का गिनती में आ जाएगा, कभी वह मर्द बन नहीं सकता है चटक मटक खाने से। इसलिए खान पान में सुधार करिए। का नाम है कज्जा, जो बोलता है कि कट करेजा, इसी का नाम है कट करेजा। इसका गुण देखिए, जिसके नाभि में भीतर में बुखार रहता है, कच्चा पक्का करके उसको 3 खुराक खिलाइए, उसका बुखार भाग जाएगा, साधारण बुखार। और जिसको जड़ैया का बुखार होगा तो जड़ैया का बुखार इसी से जाएगा, लेकिन इसमें ढाकवन का छाल लगेगा थोड़ा सा, 10 ग्राम 20 ग्राम ढाकवन का छाल, और इस बिच्चे को पीस करके लोढ़ी पाटी पर, जिसको जड़ैया लगता है, जिसको चद्दर ओढ़ना कम्बल ओढ़ना देता है, भीतर में दलदल करता है, उसको यही पीस करके ढकवन का छाल और ये कट करेजा पीस करके पिला दीजिए, और गर्म पानी आधा पौवा बाद में पिला दीजिएगा। 2 घंटा के अंदर में जड़ैया कुरसेला पुल चला जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा जड़ैया उसके शरीर में। ये अजमाया हुआ है और ये बहुत लाभदायक है। देखिए इसी का नाम है कज्जा और कट करेजा, आप लोग प्रयोग करिए। ये पसारी दुकान में भी मिलेगा, जंगल में भी मिलेगा, लेकिन पक्का कट करेजा चाहिए, कच्चा नहीं, सूखा होना चाहिए। इसी का नाम है कट करेजा, देख लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस, और लाइक कमेंट जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत दिन के बाद वीडियो शूट हो रहा है बाबा का, और बाबा जल्दी बनाने भी नहीं चाहते। जब आप लोग प्यार ही नहीं दीजिएगा तो क्या वीडियो बनाने से फ़ायदा होगा? कम से कम लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद। आवाज़ बहुत तगड़ा है। देखिए इसी का नाम है वन का जायफल। ये मनुष्य खाता है तो बहुत तीता लगता है, इतना ही तीता लगता है कि मन दिल खुश कर देता है। इसको पेट के दर्द में खाया जाता है। इसी का नाम है, देख लीजिए, वन का ये फल है, ये जायफल है। एक जायफल तो ये जो दिखाए हैं, ये देखें दो टंगा मनुष्य का है, और ये जो देख रहे हैं दो टंगा से लेकर 4 टंग वाले जानवर को भी दिया जाता है। जो गाय भैंस पाल नहीं खाता है, इसको 2 खिला दीजिए तो 15 दिन में गर्मी उस माल को आ जाएगा शरीर में, गाय भैंस को। देखिए आवाज़ कितना ठोस है, चौनी का तरह 2 दाल इसमें निकलेगा। 3 दिन के बाद 1 खिलाइए, 3 दिन के बाद 1 खिलाइए तो माल जाल गर्मी आ जाएगा, वो पाल खा लेगा। बकरी को 1 दीजिए, गाय को 1 दीजिए, भैंस को 2 दीजिए। तो जो गाय भैंस पालते हैं उसके लिए ये फार्मूला है, बहुत अच्छा काम करता है। देखिए इसी का नाम कहता है कोच बीज। इसका नाम का है कोचला। छोटा बच्चा मट्टी खाता है, उसके गले में बांध दीजिए,
मट्टी भी खाएगा तो उसके शरीर में मट्टी बच जाएगा, मट्टी उपकेगा नहीं शरीर में, उसका खून पानी नहीं होगा। ये कोचला है, इसी का नाम है कोचला, इसको कोच बीच भी कहता है। ये पेट का दर्द में मनुष्य भी खा सकता है, इसमें निशा है। दो आना इसको कच्चा खाने से उसको निशा लगता है और पेट का दर्द जड़ से जाता है। और करवा तेल मिला करके सत्तू में दे दीजिएगा तो कुत्ता भी मर जाएगा, जहर हो गया। जहर हो गया करवा तेल मिलाने से, ऐसे कुछ नहीं होगा। पेट के दर्द वाला इसको खाता है, इसी का नाम है कोचला, देख लीजिए। इसी को कोच बीज कहता है। जो बच्चा मट्टी खाता है गले में बांध दीजिए, कमर में बांध दीजिए, वो मट्टी उसके शरीर में उपकेगा नहीं कभी और बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। इसी का नाम है कोचला, देख लीजिए। पैसा का तरह कोचला है। तो गाइस ये सब जो देख रहे हैं तो किसी वैद्य या डॉक्टर से सलाह लेके ही खाएं। कहे कि आप सुने कि इसमें तेल मिलने के साथ जहर हो जाता है, तो अपने मर्जी से घर पे इस्तेमाल नहीं करें इसको। तो जो समझ में आता है वही करें और किसी चिकित्सालय में जाके सलाह ले पहले। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाबा का जड़ी बूटी पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद।